अमरूद की मूलतः दो प्रकार की फसलें होती हैं, एक बरसात की फसल, एक सर्दियों की फसल। अमरूद में जो फलन होता है वो 95% बरसात की फसल होती है और 5% सर्दियों की फसल आती है। गुणवत्ता के हिसाब से सर्दियों की फसल बरसात की फसल से अच्छी होती है, पर कई बार किसान भाइयों का अनुरोध आता है कि हमें बरसात की फसल भी कुछ लेनी है। तो बरसात की फसल को अगर हमें फल मक्खी से मुक्त बरसात की फसल लेनी है और फलों का साइज भी अच्छा लेना है और फलों की गुणवत्ता भी अच्छी रखनी है, तो हमें मूलतः तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि अमरूद की अगर आप बरसात की फसल देखेंगे तो उनमें 95% फलन होता है। अमरूद में बहुत ज़्यादा फल लगते हैं। जब ज़्यादा फल होंगे तो अमरूद का फल गुणवत्ता युक्त नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या ध्यान देना है कि जैसा कि आप देखेंगे कि अमरूद में मूलतः ऐसे तीन फल एक शाखा में आते हैं, उसमें से आपको इस किनारे के अगर आप दो फल तोड़ दें और इस वाले फल में हम अगर बैगिंग कर दें तो अमरूद की एक तो इसकी फलों की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाएगी, इसके साथ साथ जो फल मक्खी की समस्या है उससे भी हमें निदान मिल सकता है। अगर हम ध्यान देने वाली बात है कि अमरूद को कच्चा और पक्का दोनों खाते हैं, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा रासायनिक चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें अमरूद में फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि फल मक्खी में बहुत अच्छे से निदान संभव है। फेरोमोन ट्रैप में किसान भाई खुद भी बना सकते हैं और इसको हम मार्केट से भी ले सकते हैं। अमरूद में जो फेरोमोन ट्रैप यूज़ होता है उसको मिथाइल यूजेनाइल ट्रैप कहते हैं। इन ट्रैप की करीब 10 से 15 ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम अमरूद के बाग में लगाएं तो फल मक्खी में बहुत हद तक निदान संभव है। अगर हम तीन चीज़ों का ध्यान रखें, एक तो थिनिंग की सही समय, जो कि ये बिल्कुल सही समय चल रहा है, दूसरा अमरूद में थैली चढ़ाना। थैली बहुत नितांत आवश्यक है अगर अमरूद में आपको उत्पादन करना है बिना किसी कीड़े के। और तीसरा आपको फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करना है। फेरोमोन ट्रैप में तीन चीज़ें होती हैं, एक मिथाइल यूजेनाइल जो कि एक फेरोमोन है, दूसरा उसमें स्पाइनोसाइड करके एक कीटनाशक होता है और उसको हम इथेनॉल से घोल लेते हैं। इन तीनों के मिश्रण का 0.1% मिश्रण को हम एक लकड़ी की किसी भी लकड़ी के गत्ते या लकड़ी के उसमें डुबो के रखते हैं और उसके हम डिब्बे बना लेते हैं और ऐसे डिब्बों को हम करीब 15 से 21 डब्बों को हम प्रति एकड़ अमरूद के बाग में लगा देते हैं। और इनको फिर हमें ध्यान देना है कि 20 से 25 दिन में हमें इनको परिवर्तित भी करते रहना है जो गुटियां हैं उसके अंदर, जो फेरोमोन ट्रैप के डिब्बे के अंदर डाली गई हैं। तो इससे हमें तीनों चीज़ों का लाभ मिलेगा। एक तो हमें गुणवत्ता युक्त फसल मिलेगी, दूसरा हमें किसी भी तरीके के कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, और तीसरा जब हम फ्रूट थिनिंग करेंगे तो उसकी साइज अच्छी होगी, उसमें क्वालिटी अच्छी होगी और हमें कुछ हद तक बरसात की फसल के साथ साथ सर्दियों की फसल भी बढ़ सकती है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम बरसात की बहुत अच्छी फसल अमरूद की ले सकते हैं।